Hi children, how are you? I am fine. अभी आपको मैं वर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के चार कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ये चार आपके भाषा के कौशल हैं। बोलना सुनना मौखिक रूप है, लिखना पढ़ना लिखित रूप। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर व्यंजन जिसका उच्चारण स्वतः अपने आप हो जाता है वह स्वर व्यंजन कहलाता है, जैसे अ से लेकर अह तक। व्यंजन है व्यंजन का उच्चारण, जब तक उस व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से करना पड़ता है। अगर स्वर न की सहायता न हो तो व्यंजन नहीं बोला जा सकता है, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, तलाविश मूर्धनिश दंती सह उसमें व्यंजन है। अभी आपको मैं बताऊंगी कि स्वर व्यंजन जो है अ से लेकर अह तक, जो मैंने स्वर वर्ण बताए, जिसमें आपको अंग और अह, ये आपका न स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, ये अयोग वाह है। अंग और अह जो है अयोग वाह है, ये न स्वर है और ना ही व्यंजन है। क से म तक यानी क ख ग घ अंग, ये कबर, च छ ज झ य चवर, ट ठ ड ढ अड़ टवर, त थ द ध न तवर, प फ ब भ म, ये हो गया पवर। यानी ये पांच जो हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं, जिसमें पांचों का अंग, य, अड़, न और म, ये पंच अक्षर है। इसको पंचाक्षर कहते हैं, जिसका हमेशा उच्चारण जो होता है अनुस्वार या म के द्वारा होता है। य, र, ल, व जो ये अंतस्थ व्यंजन है, जिसका उच्चारण करने में हम ये मुख, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और मूर्धनि ष, तलावि ष, मूर्धनि ष, दंति ष, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इसका जब उच्चारण किया जाता है तो मुंह से गर्म हवा हमारी बाहर निकलती है, तो यह इसे इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं।